सबसे पहले तो जो हमारा मुख्य मुद्दा ये है कि जो ये इधर कुलपति है उसकी नियुक्ति होनी चाहिए। दूसरा मुद्दा ये है कि यूनिवर्सिटी के अंदर मैं चाहता हूँ कि मेरी बहनें आगे आएँ, क्योंकि यूनिवर्सिटी के अंदर 70% तक लड़कियाँ हैं, तो लड़कियों को मौका मिलना चाहिए। और पैसे से ख़त्म यहाँ पे चुनाव होना चाहिए, क्योंकि बाहर से जो भी लोग आते हैं वो पैसे के दम पर चुनाव जीतते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि बच्चों को यहाँ लालच देकर नहीं, अपनी प्रतिभा के ऊपर उनसे वोट मांगने चाहिए। कहीं ना कहीं शक्ति ज़्यादा कर दी गई है, दो दिन पहले जो माहौल गर्म हो गया था उसके बाद कहीं ना कहीं अपने शक्ति के कारण ही चुनाव पर थोड़ा असर पड़ रहा है। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जो गर्ल्स है, जैसे मैंने बताया 70% यहाँ पर गर्ल्स है, तो लड़कियों के जो घर वाले हैं उनको परमिशन नहीं देते, क्योंकि जो बाहर जो गर्मा गर्मी का माहौल चल रहा है, तो उस माहौल से जहाँ तक मुझे लगता है कि इस बार वोटिंग परसेंटेज कम होगा। शुभम चौधरी, अध्यक्ष पद हेतु, महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर। अभी जैसे 8 बजे से मतदान वो स्टार्ट हुए हैं, तो अभी धीरे धीरे स्टूडेंट आ रहे हैं, जैसे जैसे टाइम बीत रहा है स्टूडेंट आ रहे हैं, और अब आशा है कि 400+ वोटिंग हो जाएगी। और यहाँ का जैसे माहौल देख के ऐसा लग रहा है कि जैसे लास्ट ईयर तीनों चारों सीटों पर ABBP ने परचम ले रहा था, वही परचम इस बार वापस ABBP ले रहने जा रहे हैं। चक्कर में मतदान पे भी असर पड़ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे ना तो गाड़ियों की व्यवस्था करने दी जा रही है, ना कोई और, तो इनके वजह से वोटर को लाने में भी दिक्कत हो रही है। और कई वोटर को ID कार्ड नहीं मिला, तो वहाँ पे गेट पे भी मेन व्यवस्था नहीं है, तो इस वजह से कई वोटर को गेट से भी वापस जाना पड़ रहा है। तो इस वजह से ये शक्ति है जिसकी वजह से वोटिंग कम हो रही है। आज छात्र संघ के चुनाव है, और जिस तरह से प्रशासन ने शक्ति दिखाई है, तो ये एक उत्सव की तरह होता है छात्र संघ चुनाव, और हम भी बरसों से देखते आए हैं। ठीक है, बच्चे थोड़े मस्ती भी करते हैं, हाँ अगर कोई उत्पात करता है तो उसके ऊपर आप शक्ति बरती है, लेकिन जो बच्चे लड़ रहे हैं, चाहे वो किसी भी उससे हो, पार्टी से हो, तो उसको भी हम मतलब इतनी शक्ति नहीं होनी चाहिए। बच्चे घबरा रहे हैं, और कई बालिकाएँ बच्चे तो वोट ही नहीं दे रहे हैं, दूर से ही वापस चले गए, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही कुछ बच्चों को उठा लिया, उनकी गाड़ियां पकड़ ली। अब वो बच्चों की गाड़ियां अगर नहीं छूटेगी तो वो वोटर्स कैसे लेके आएंगे, उनके सामने समस्या खड़ी होगी। इसके लिए अभी प्रशासन से बात करिए। आपका नाम? लोकेशन। सर देखिए, ये छात्र संघ चुनाव है, कोई MLA पार्षद और लोकसभा के चुनाव तो है नहीं। जिस तरह से उन्होंने शक्ति किए, छात्र दूर से देख करके जो व्यवस्था देख रहा है, जहाँ देखो वहाँ पुलिस, और छात्र वोट देने भी आ रहा है तो वो दूर से वोट देने की बजाय वापस घर जा रहा है। और व्यवस्था करो, व्यवस्था में हम आपके साथ हैं, लेकिन कुछ व्यवस्था जो इन्होंने करी, इतनी दूर दूर तक बैरिकेडिंग लगा दी, और उसके बावजूद भी वहाँ बच्चे कन्वेंस कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, तो प्रशासन उन्हें प्रचार नहीं करने दे रहा है। अब बच्चा कहाँ जाएगा प्रचार नहीं करेगा? आज इतने महीनों से, 2-3 महीनों से बच्चे तैयारी कर रहे हैं, और आज उनका दिन है, मतदान का दिन है, तो आज के दिन वो प्रचार नहीं करेंगे? गाड़ियाँ बंद कर दी, लड़कों को उठा के ले जा रहे हैं, और इस सब प्रशासन ने की सख्ती करी, जिससे सारा छात्र नाराज है। 1 बजे तक का चुनाव है, मैंने भी प्रशासन से विनती की कि साहब 1 बजे तक का चुनाव है, सब शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है, तो आप ऐसी कोई बात ना करें जिससे कि छात्रों में गुस्सा आए, और हमें भी कुछ कदम उठाना पड़े। प्रशासन ने कहा ठीक है, और बाकी तो NSA यहाँ जीत रही है सभी विश्वविद्यालयों में, कॉलेजों में। बिल्कुल सर, हम भी उस चीज़ का बड़ा ध्यान दे रहे हैं, जहाँ जहाँ हमारे फ्लैक्स लगे हुए थे उनको भी हमने उतरवाया, और कोई अगर पर्चे उड़ा रहे हैं तो उन्हें भी हम मना कर रहे हैं, और पूरी तरीके से हम लिंगदो कमेटी की जितनी सारी सिफारिश है उनकी पालना कराने के लिए प्रतिबद्ध है। और ABBP तो खुला लिंगदो कमेटी की धज्जे उड़ा रही है, आप खुद भी देख सकते हैं, 3 दिन से उनकी गाड़ियाँ भी इतनी शहर में घूम रही है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। फिर भी NSA चुनाव यहाँ पर, चाहे NSA के साथ पश्चाताप हो रहा हो, लेकिन फिर भी NSA चुनाव पूर्ण रूप से जीतेगी। सुनील लारा, डॉक्टर सुनील लारा, प्रदेश यूथ कांग्रेस महासचिव। अजमेर ज़िले के जितने भी कॉलेजेस में इलेक्शंस हैं, वहाँ पर हमने जाफ्ता नियोजित किया है, और ये सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि लिंगदो कमेटी की समस्त सिफारिशों की पालना इनसे कराई जाए। केवल वोटर्स हैं जो कॉलेज परिसर में प्रवेश करें, और जिन वोटर्स नहीं हैं और फालतू घूम रहे हैं, उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाए। शक्ति की आवश्यकता तब पड़ती है कि जब कोई भी व्यक्ति उससे संबंधित है, वो समझता नहीं है कि उसको किस नियमों की पालना करनी पड़ती है, तो शक्ति कर उनको सिर्फ उन नियमों की पालना कराई जा रही है। पूरे हमारे सिटी में लगभग 600 से 700 आदमियों का डिप्लॉयमेंट है।